हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद मध्य प्रदेश का प्रशासन अब जाग चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां पटाखे के गोदाम फैक्ट्रियां हैं वहां पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिल रही है। लगातार प्रशासन ऐसी जगहों पर दबिश दे रहा है जहां पर अवैध रूप से ज्यादा पटाखे रखे हुए हैं। ऐसे ही छतरपुर जिले की सिटी कोटवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सरानी दरवाजा पर भी भारी मात्रा में पटाखे गोदाम में मिले हैं, जिस जगह को कल छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर द्वारा सील किया गया था, जिसके बाद आज फिर इस जगह पर कार्रवाई हुई और सभी पटाखे को जब्त कर लिया गया है। बुधवार को छतरपुर जिले के सिटी कोटवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सरानी दरवाजे पर छतरपुर का प्रशासन पहुंचा और यहां से सभी पटाखे को जब्त कर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। हरदा में हुए पटाखे की फैक्ट्री में विस्फोट के बाद अब छतरपुर का जिला प्रशासन जाग गया है। छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश अनुसार राजस्व विभाग की टीम और नगर पालिका के अमले के साथ साथ छतरपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार यहां पर पुलिस विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच करके गोदाम को सील किया था और आज उस गोदाम को खोला गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सरानी दरवाजा पर कृष्णप्रिया की कॉलोनी में, जहां पर ये रहवासी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में यहां पर गोदाम बनाया गया था, जिसे सूचना मिलने पर प्रशासन ने मौके पर पहुंच करके उसे सील किया था। आज उस गोदाम के अंदर भारी मात्रा में विस्फोटक पटाखे की सामग्री भी पाई गई है। कहीं ना कहीं ये हादसे का न्योता भी दे रहे थे ये गोदाम के अंदर रखे हुए पटाखे, जिसको लेकर प्रशासन जागा हुआ है और प्रशासन ने उसे सील करके उसे आज खोला गया है और यहाँ पर जो सामग्री पड़ी है उसे जब्त किया गया है। पेपर टाइम के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। काफ़ी तादाद में जो है पटाखे पाए गए हैं और रहवासी इलाके में हैं और नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे हैं, जबकि ऊपर में लोग रह भी रहे हैं और भारी तादाद में दो कमरों में काफ़ी मात्रा में जो है सर किसका पाया गया। ये प्रभात गुप्ता का है, जिनको सूचना दी गई थी लेकिन सूचना दिए जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुआ। ताला तोड़ के और उसकी जब्ती की कार्रवाई और उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सर ऐसे रहवासी इलाके में आसपास पड़ोस में बच्चे औरतें भी रहते हैं, परिवार रहते हैं, इस तरीके के गोदाम खुलने से कितना नुकसान हो सकता था? काफ़ी नुकसान हो सकता था क्योंकि काफ़ी भारी तादाद में जो है इनके फटाखे ये रहवासी इलाके में रखे हुए। लगभग कितनी कीमत के फटाखे होंगे अभी अंदाजा लगा पाए हैं? अभी अंदाजा नहीं है, अभी सूची बनेगी उसके बाद अंदाजा का आकलन किया जाएगा, लेकिन दो कमरे गोदाम के दो कमरे भरे पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर इनके पास ये मकान है जिसमें कल कलेक्टर महोदय और सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एसपी साहब एसडीएम साहब सभी का आगमन हुआ था, पर बाहर से ताला लगा हुआ था तो हम लोगों ने अंदर जाके सर्च नहीं कर पाए थे। आज ताला तोड़ करके और हमने इसको अंदर देखा है, जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जैसे पटाखे वगैरह इसमें संधारण किया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसका ये माल यहीं रखा रहेगा या कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा? इसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, अभी ही अभी किया जाएगा। अभी आजाद इस गोदाम में क्या रखा हुआ है? डिस्पोजल भी रखा है उसका, गल्ला भी रखा है, आतिशबाजी पटाखे वड़ाखे ये सब रखते हैं। हाँ पटाखे भी होंगे, प्रेम सेठ का। आपने हरदा वाली घटना देखी है? हाँ देखी है, देख चुके हैं। आग लगी तो ऐसी घटना हो सकती है? हो सकती है, पूरा मोहल्ला जाएगा। अच्छा। किस तरीके का डर बना रहता है? डर ऐसा है कि अब डर तो बहुत भयंकर है, वो तो आतिशबाजी है, मगर नहीं कह सकते लोग बाग, इसलिए कि चमत्कार की नमस्कार है। आप लोगों का यहाँ मकान है? भाई सर जी हमारे पीछे ही हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में जनता रहती है, मोहल्ला के सब लोग, बच्चे भी फिरते हैं। बहुत बड़े व्यापारी हैं, बड़े-बड़े लोगों से कनेक्शन है? हाँ कनेक्शन है, कोई कहने वाला नहीं है, ना कोई कुछ कहता है, छोटे मोटे हैं तो। हाँ जान का खतरा 90% 95% खतरा है। क्या चाहते हैं बस्ती की भी जैसी चीज़? भाई बस्ती के अंदर नहीं चाहिए ये चीज़ें, बाहर चाहिए सब। आतिशबाजी काम कम से कम 100 किलोमीटर आगे तो होनी चाहिए कम से कम। हाँ है।